हर किसी को अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए चाहिए ढेरों सारे ऑर्गेनाइजर। ये ऑर्गेनाइजर हम कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब भी हम कुछ खरीदते हैं तो वो साइज में हमारे कपड़ों के साइज से छोटे बड़े आते हैं, उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो इससे तो अच्छा है कि हम इसे खुद ही तैयार कर लें। और इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सारे आइडिया आपके साथ शेयर किए हैं, तो आज मैं एक और नया बिल्कुल डिफरेंट आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रचना और आप देख रहे हैं केयर होम विद टीना। क्योंकि आप बोलते हैं कि भाई हमें सिलाई नहीं आती तो हम कैसे बना सकते हैं, तो उसका भी एक जुगाड़ में लेकर आई थी आपके साथ कि आप बिल्कुल सिलाई किए बिना भी बड़ी आसानी से आप जो है ग्लू गन की मदद से, फेविकोल की मदद से बहुत प्यारे से साड़ी कवर बना सकते हैं। दूसरा, ये आइडिया तो बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसमें मैंने पेटीकोट और ब्लाउज दोनों को किस तरह से आप अरेंज करके रखे वो आइडिया शेयर किया हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि बनाना बहुत आसान है, आप इसे हाथ से भी सिलकर तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन नहीं है। और इतना इजी वे में मैंने इसे सिखाया था आपको, और साथ में एक बहुत अच्छा हैंगर वाला भी मैंने ये आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप इस तरह से भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। कुछ ब्लाउज पीस ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम सिलवाते नहीं है, ये हमारे हो सकते हैं, मम्मी के हो सकते हैं या तो मदर इन लॉ के हो सकते हैं, इन सब का हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है और हम इनके तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इसका एक बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि आप इसमें से बड़े आसान वे में साड़ी कवर तैयार कर लीजिए। ये वाला जो साड़ी कवर है ना, इसे तो आप बहुत पसंद कर रहे हैं, आपने इसे बहुत लाइक दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, और मैं आपकी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। घर की वस्तु से इसे तैयार किया था और ये वीडियो मैंने कोरोना के टाइम में बनाया था, तो घर से बाहर मिलना तो असंभव ही था कि कोई वस्तु लेने हम जाए घर के बाहर, तो मैंने घर में ही जो वस्तु थी उसी का यूज़ करके इसे बनाया था और बहुत ही प्यारा बना है। इसमें आगे आगे अपने दुपट्टे की भी नेट को आप लगा सकते हैं, या तो इस तरह से आप इसका कवर कर लीजिए, और इसको भी अगर आप सिलना नहीं चाहते तो ग्लू गन की मदद से, फेविकॉल की मदद से, फैब्रिक ग्लू की मदद से जोड़ दीजिए। हमारे सबके पास इस तरह की शॉपिंग बैग रहती है कपड़े की, इसका क्या यूज़ करें, तो आज मैं इसी से आपको बहुत अच्छा साड़ी कवर बनाना बिल्कुल इजी वे में सिखा रही हूँ। और इसे आपको इस तरह से कट करके खोल देना है, और चौड़ाई में आप देख सकते हैं कि 13 इंच है और लंबाई में ये 34 इंच हो रहा है। ऊपर से जो हैंडल होते हैं ना, उस भाग को मैंने कट करके अलग कर दिया है और इतने भाग को ही मैंने लिया है ये लंबचौरस पीसीस को, और ऊपर मैंने एक जो है दूसरे कपड़े को लगाई है, वही कपड़ा है जो मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती तब मैंने इसमें से डाइनिंग टेबल बनाया था, तो उसके ऊपर का भाग है। अब मुझे ये काम का नहीं है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। ऊपर से 5 इंच किसी भी साइड से आप ले लीजिए और इस तरह से उसे 3 बाजू से हमें जो है सिल लेना है, और फिर जहाँ से हमने सिलाई की ना वो 5 इंच की उसकी विरुद्ध दिशा में 8 इंच पर हमें एक कट लगाना है, और बीच में हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट लगाएंगे। अब ये प्लास्टिक शीट हमें 3 इंच की लेनी है, और 3 इंच की लेकर इसे हमें इस तरह से यहाँ पर लगाकर इसके ऊपर प्रेस सिलाई लगा देंगे, और जो हमारा दूसरा भाग है ना इसे हमें इसके ऊपर रखना है, और फिर उसे भी इस तरह से सिल कर इसके ऊपर भी हम सीधा करके उस पर प्रेस सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल सिंपल वे में हम इसे तैयार कर रहे हैं, और ये जो हमारा 8 इंच वाला भाग है ना उस तरफ भी हमें थोड़ा सिल कर इसे कम्प्लीट कर लेना है साइडों से, यानी हमारे चारों बाजू से कम्प्लीट हो गया, यहाँ से भी हम सिल कर साइड से कम्प्लीट कर लेंगे। अब हमें इसे इस तरह से उठाना है और सिंपल जहाँ पर हमारा 5 इंच का हमने मोड़ के रखा है ना, बस वहाँ से यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और यहाँ मेरा सिलना रह गया था, तो आप यहाँ पर पहले ही इसे इस तरह से सिलकर कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए हमारा साड़ी कवर बिल्कुल मिनटों में कह सकते हैं अपने तैयार कर लिया। ऐसे आप ढेरों वो साड़ी कवर को तैयार कर लीजिए, इसमें आप अपने ड्रेस को भी बड़ी आसानी से बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। ऊपर से ट्रांसपेरेंट शीट का हमने यूज़ किया है, तो इसमें जो भी चीज़ रखी है वो दिखती है, और मैंने यहाँ प्रेस बटन का यूज़ किया है। मेरे पास अभी वेलको पट्टी नहीं थी, आप वेलको है तो वेलको पट्टी का भी यूज़ यहाँ आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम जब इस तरह का कुछ काम करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग वूमन हैं तो ही आप कुछ करती है, आप इस तरह से भी घर में बहुत कुछ कर सकती है, घर को बहुत प्यारा सा लुक दे सकती है। और आपने किस तरह से घर को संभाला है वो आपकी सजावट से ही पता चलता है, तो कुछ इस तरह का आप भी घर पर ही कुछ क्रिएटिव धीरे धीरे छोटे छोटे काम करते रहिए, मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने कपड़ों को बहुत लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं, और ये संभाल के रखना बहुत ही आसान है, तो फिर क्यों नहीं इस ट्रिक को आप फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की आइडिया के शौकीन को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल में अभी तक बने हुए या तो आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा, टेक केयर।